इसलिए देखिए कितने सॉफ्ट एंड डिलीशियस बने हैं बाव बंस। हे व्हाट्सअप, सिंस मेनी डेज आई वाज क्रेविंग टू ईट ईस्ट एशियन फूड, सो टुडे आई हैव डिसाइडेड टू मेक बाव बंस विद अ नाइस फिलिंग, चिली गार्लिक पनीर। सो लेट्स मेक बाव बंस। बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। एक बार इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा कुनकुना पानी डालकर इसका हम डो बनाएंगे। अब ये डो को हमें क्लीन सरफेस पर रखकर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे सरफेस पर और ये जो डो हमने रेडी किया था उसे हम 5 से 7 मिनट तक गूंदेंगे जब तक एकदम ये स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब ये डो स्मूथ हो गया है। अब हम इसे राइस करने के लिए एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने वही सेम बोल लिया है, उसको अब हम थोड़ा ऑयल डाल के ग्रीस करेंगे और ये जो डो हमने रेडी किया है उसे हम इसमें रख देंगे। थोड़ा ऑयल अप्लाई करके क्लिंग फिल्म से रैप करके रख देंगे। अगर वेदर वार्म है तो ये 1/2 घंटे में अच्छे से राइज हो जाएगा, नहीं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। फिलिंग बनाने के लिए एक हीटेड कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल। अब ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा सॉटे करेंगे प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे सॉटे करना है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। एक बोल में मैंने लिया है येलो और रेड बेल पेपर और कैप्सिकम, ये क्यूब्ड है। इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। इसमें वेजिटेबल्स क्रिस्पी अच्छी लगती हैं। अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मैंने चिली सॉस लिया है, ये 2 टेबलस्पून है। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं जैसा आपको फ्लेवर पसंद आए। इसे हल्का सा सॉटे करना है। अब इसमें मैंने लिया है 1 बाउल क्यूब पनीर। ये रेडी हो चुका है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियंस, ये ऑप्शनल है पर आप डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल हमारे बाव बंस की फिलिंग रेडी है। अब जैसे आप देख सकते हैं तो अच्छी तरह से राइज हो गया है, ये देखिए से राइज हो गया है ये डो। अब हम हल्के हाथों से इसे इकट्ठा कर लेंगे। और
इस तरह से बॉल्स बनाकर हम इसे रोल करेंगे हल्के हाथों से। थोड़े से लंबे बेलने हैं हमें इसे। इसमें हम ऑयल ब्रश करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा बेल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे बाओ बंस तैयार कर लेने हैं। मैंने पार्चमेंट पेपर स्क्वायर्स में काट लिए हैं। अब हम जो हमारी स्टीवर की प्लेट है उसमें हम इन्हें स्टीम करने के लिए इस तरह से रख देंगे। ये पानी गर्म हो चुका है। जब तक हम वो बेल के सेट कर रहे थे तब तक मैंने इसमें पानी गर्म कर लिया था, तो अब ये हमारी ट्रे हम इसमें स्टीम होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। बाओ बंस स्टीम होके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। बाओ बंस बिल्कुल स्पॉन्जी बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मेल्ट इन माउथ बाओ बंस। अब हम इसमें हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग करेंगे। बाओ बंस विद पनीर एंड वेजीज फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार है। दीज आर वेरी डिलीशियस एंड मेल्ट इन माउथ। इसे आप चिली सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर बनाइए। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।